दो मछलियां तो हसीब ने हाथ में ही पकड़ी हुई है, अब पता नहीं ये मछलियां या फिर मेंढक है। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और अभी मैं जा रहा हूँ हफीज के साथ समोसे खाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है इस टाइम। हफीज आप चलें फिर अब समोसे खाने। अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। रमजान भाई हम समोसे खाने आए थे, आपने समोसे पहले ही खत्म कर दिए सारे के सारे। क्या बस खत्म हो गए, कहीं रखे नहीं हुए, कोई मसाला वगैरह बना दे हमें। सब खत्म हो गया, देख लो दला सब रोजे नहीं है, फिर भी इनका सामान खत्म हो गया। यार हफीज साहब अभी क्या कर सकते हैं, अब कहाँ जाए, जाना पड़ना है भाई। घिनावनान के पे ना जावा ना भाई ना। अभी हम आए हैं अपने गांव में और अपने भाई अयूब की दुकान से लेंगे समोसे। फिर साहिब आप इनकी क्वालिटी से मुतमईन है? जी, मैंने खाए में पहले अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, और कोई दूसरा फैक्टर तो नहीं केमिकल वाला? नहीं, केमिकल एक्स नहीं डलता इसमें। ठीक हो गया। तो अभी हफीज साहब ने ऑर्डर कर दिया है 6 समोसों का, 8 समोसों का, और 8 समोसे लेके इंशाल्लाह हम चलेंगे घर को वापस। समोसे हम लेकर आए हैं गाँव से, और अब पकौड़े ले रहे हैं भाई जमीर की दुकान से। यार 50 का पकोड़ा कर दे, और ना ऊपर मसाला वगैरह बेहतरीन करके, ठीक हो गया ना। और आइंदा के बाद ना पकोड़ा समोसे ख़त्म नहीं होने चाहिए। इधर देख रहे हैं, इधर देखें, सही हो गया ना। ये हमारे दोस्त हैं, इसलिए इनके साथ हंसी मजाक चलता रहता है। और बस तो ना करनी। खुशी साहिब भी मिल गए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाओ भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहुंच गए घर, और हफीज साहब समोसा ट्राई कर रहे हैं। हफीज साहब कैसा समोसा है? समोसे हैं भाई, मजे के हैं, थोड़े ठंडे लेकिन मजे के हैं। शाम को मौसम कुछ बेहतर हो गया है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा तो गर्म है थोड़ी सी, लेकिन जो है ना बादल वगैरह हो गए हैं, मौसम अच्छा हो गया है। और अभी मैं और हफीज साहब वॉक करने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो बच्चे हैं भैंसों को चरा रहे हैं। यहाँ पर अंकल तौकीर की भैंसें चर रही हैं, और खुले आसमान तले जो है इंजॉय हो रहा है भैंसों का। अभी मैं और हफीज़ आए हुए हैं हसीब के पास। ये बच्चा, इसका नाम है हसीब, और हसीब ने काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ रखी हुई हैं, कोई कह रहा है कि 10-15 है। इस छोटे से ना पानी साइज ने बनाया हुआ है, और इसी के अंदर मछलियाँ रखी हुई हैं, अभी आपको दिखाते हैं। हसीब इसके अंदर कितनी मछलियाँ हैं? 15। ये देखें, दो मछलियाँ तो हसीब ने हाथ में ही पकड़ी हुई हैं, अब पता नहीं ये मछलियाँ या फिर मेंढक है। हसीब और मछलियाँ दिखाओ अंदर से। ये देखें बच्चे के काम देखें। हंसी भी कहाँ से लेकर आते हो आप? सही। ये देखें छोटा सा तालाब बनाया हुआ, उसके अंदर मछलियाँ रखी हुई हैं। अभी अभी ना इससे एक फेंकी भी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखें एक ही ये फेंकी हुई है। अभी मछली है या पत्नी मेंढक है इसका हमें कोई नहीं पता, इसके मुताबिक ये मछलियाँ हैं। ये देखें अभी तड़प रही है, थोड़ी सी हिली तो थी। ये देखें हिल रही है, ओए ये हिल रही है, ये उठा के रख दे वहाँ में पानी में। अभी जो है ये हसीब का बड़ा भाई है बॉबी, अब इससे जाके पूछते हैं ये क्या चीज़ है। बॉबी आपको लगता है ये मछलियाँ हैं? नहीं लगता। फिर ये क्या है? डड्डू के बच्चे हैं। वो मुझे भी वैसे ऐसे ही लग रहा है कि मेंढक के आगे से थोड़े से मोटे हैं, पीछे से पतले हैं। मछली है, ये मछली है डड्डू के मेंढक में। आप क्या कहते हैं ये क्या चीज़ है? मुझे मछली लग रही है। मछली लग रही है, हो सकता है मेंढक ही हो। सही हो गया। अभी हम जा रहे हैं तूड़ी का पता करने। कहाँ पर? 756, जो कि हमारे साथ ही नजदीकी गांव है। सही हो गया, चलें शेरा। चलो चले, चलो भाई। यहाँ पर हम आए हैं तूड़ी का पता करने के लिए। तूड़ी मीन्स भूसा। हमें चाचू हमें कहीं नजर नहीं आ रही, और हमें लगता है कि हमें यहाँ पराली ही लेकर जानी पड़ेगी, और फिर पराली को ही हमें कुतरना पड़ेगा, उसका काट काट के, और फिर उसको गाय को डालना पड़ेगा। अभी आमिर चाचू पता कर रहे हैं कि जिनसे हमने तूड़ी लेनी है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि वो अभी घर से गायब है। तो अभी अगर वो मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पता कर लेंगे। हाँ जी आमिर चाचू, कोई है चांस तूड़ी का? तूड़ी तो भाई वो कह रहे हैं हम खुद पराल को कुतर कर डाल रहे हैं, और वो पराल भी कहीं से लेकर आए हैं, तो इसलिए हम घर वापस जाएँगे और अपनी पराल कुतर कर ही डालेंगे पैसों को। गाइस ये हमारे साथ मैटर हो गया, हम जा रहे हैं वापस अपना सा मुँह लेकर। Oh, 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 oh
ओके गाइज, आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म का ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।